Hello everybody, this is Advocate Ruksaar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. Friends, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कोर्ट मैरिज के बेनिफिट्स और प्रोसीजर के बारे में। आमतौर पर जब भी कोर्ट मैरिज का नाम जहन में आता है तो लोग सोचते हैं कि कोई लड़का लड़की जो अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं वो ही कोर्ट मैरिज के लिए अपना ऑप्शन चुनते हैं। लेकिन मैं ये आपको आज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कोर्ट मैरिज जरूरी नहीं कि सिर्फ वही कपल चुने जो अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाह रहे हैं, बल्कि वो लोग भी कोर्ट में मैरिज कर सकते हैं जो अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करना चाहते हैं। क्योंकि कोर्ट मैरिज करने के बेनिफिट्स हैं जो आम तौर पर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि कोर्ट मैरिज और एक नॉर्मल जो हमारे यहाँ शादी ब्याहों में मंडप में या मस्जिद मंदिर गुरुद्वारों में जो शादी होती है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं कोर्ट मैरिज के बारे में बताने से पहले एक चीज जो यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पॉइंट को आसानी से समझा सकूं कि बेसिकली जब हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में शादी होती है तो उसमें किसी भी तरह की कोई लिखत पढ़त नहीं होती है। लड़की वालों ने लड़के वालों को क्या डाउरी आर्टिकल्स दिए, क्या गिफ्ट दिए, क्या ज्वेलरी दी, कितना कैश, क्या गाड़ी दी, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। और जब शादी के बाद आमतौर पर शादियों में क्या होता है कि शादी के बाद कोई ना कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब क्रिएट होता है उस टाइम पर लड़के वालों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है साबित करना कि शादी में ये चीजें ली गई थी और ये शादी में ये चीजें नहीं ली गई थी। और लड़की वाले आमतौर पर इतने सारे एलिगेशंस लगा देते हैं और इस बैटल में क्या सही था क्या गलत था, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता है, तो वो बैटल कोर्ट के अंदर लंबी हो जाती है और बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, कोर्ट कचहरी में वक्त खराब होता है। तो इन सारी समस्याओं से बचने का एक तरीका कोर्ट मैरिज भी है। अगर कोई कपल अपने पेरेंट्स की मर्जी से भी कोर्ट के अंदर मैरिज अपनी रजिस्टर्ड कराते हैं तो इन बहुत सारी परेशानियों से, डाउरी जो डाउरी एलिगेशंस होते हैं या इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो इंसिडेंट होते हैं और उसके बाद जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, इन सब से हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। बेसिकली कोर्ट मैरिज कैसे होती है ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई भी लड़का लड़की अगर हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है तो उनके लिए आर्य समाज मंदिर में मैरिज करा के उसी मैरिज को हम रजिस्ट्रार के यहाँ पर जाके रजिस्टर्ड करा देते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद आप पासपोर्ट, वीजा, अपने इलेक्शन आई कार्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स इजीली उसके बेसिस पे बनवा सकते हैं। नॉर्मली जो मैरिज हमारे यहाँ मंडप में होती है उसके बाद लड़की को अपना नाम चेंज करने में, क्योंकि उपनाम चेंज करना पड़ता है शादी के बाद, उसे चेंज करने में, इसके अलावा अपने इलेक्शन कार्ड बनवाने में, पासपोर्ट और वीजा अप्लाई करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है क्योंकि वो मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होती है। अगर एक लड़का और लड़की अलग अलग धर्म के हैं, मान लो लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, तो वो कैसे शादी करेंगे? उनमें से किसी एक को दूसरे के रिलीजन में आना पड़ेगा, या तो दोनों लड़का लड़की मुस्लिम बने या दोनों लड़का लड़की हिंदू बने, उसके बाद चाहे वो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं जो मैं अभी बता चुका हूं, या वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी शादी कर सकते हैं जिसमें एक सिंपल काजी से निकाह पढ़वाया जाता है और उसके सपोर्ट में कुछ एफिडेविट्स हम क्रिएट बनाते हैं। उन एफिडेविट्स के जो कंटेंट होते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ बता दूं, और वही एफिडेविट्स होते हैं जो बाद में अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बेसिकली उसमें एज, मैरिटल स्टेटस, लड़का शादीशुदा था या कुंवारा है, लड़की बैचलर है, स्पिंस्टर है या मैरिड है या विडो है, ये सारी डिटेल्स तो हम नॉर्मली लिखते ही हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल हम लिखते हैं कि शादी के टाइम पर कौन सी आर्टिकल्स एक्सचेंज किए गए, कौन सी कार ली गई, कौन सी कितनी ज्वेलरी दी गई, कितना पैसा दिया गया, शादी कहाँ पर हुई, ये सारे डिटेल भी हम वहां पर लिख देते हैं। और यही वो डिटेल होती हैं जो बाद में जाके लड़के और लड़कियों को बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं जब एक दूसरे के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। तो बेसिकली शादी एक आर्य समाज के अंदर मंदिर में होती है, वही मैरिज आपकी रजिस्टर्ड करा दी जाती है। मुस्लिम रिलीजन के अंदर अगर शादी करनी है तो कोर्ट के अंदर काजी को बुलाकर उनका निकाह पढ़वाया जाता है और वही मैरिज हम रजिस्टर्ड करा देते हैं। अगर दोनों लड़का लड़की अलग अलग रिलीजन के हैं, मान लो लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है,
और दोनों ही अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो प्रावधान है जिसके तहत लड़का और लड़की शादी कर सकते हैं और दोनों को अपना धर्म भी बदलने की जरूरत नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने का प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। लड़का और लड़की को एक साथ जाके रजिस्ट्रार के यहाँ पर आवेदन करना होता है और जिस दिन वो अपनी शादी के लिए आवेदन करते हैं उसके बाद रजिस्ट्रार उनको 30 दिन का टाइम देते हैं और उस 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार दोनों पेरेंट्स की, दोनों लड़का और लड़की की फैमिली में एक लीगल नोटिस, एक नोटिस सर्व करते हैं जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन पेरेंट्स को करना हो तो रजिस्ट्रार के यहाँ पे ऑब्जेक्शन अपना रेज कर सकते हैं। अदरवाइज 30 डेज बाद जो अपॉइंटेड टाइम होता है उसमें लड़का और लड़की को बुला के उनकी मैरिज रजिस्टर्ड कर दी जाती है। तो आर्य समाज मंदिर और निकाह वाला, निकाह का प्रोसीजर और स्पेशल मैरिज एक्ट, तीनों तरीके से शादी हमारे यहाँ कोर्ट में कराई जाती है और ये बहुत ही सेफ और सिक्योर तरीका है शादी करने का। अगर जो लोग चाहते हैं कि शादी के बाद होने वाली लीगल ट्रबल से वो बचना चाहते हैं तो वो अपने जो भी तरीके हैं शादी करने के, फैमिली फंक्शंस के, वो जरूर करें, लेकिन एक बार अपनी मैरिज को कोर्ट में आके जरूर रजिस्टर्ड करा लें ताकि वो कोर्ट कचहरी में होने वाले डाउरी हरासमेंट केसेस से बच सकें। एक एडवाइस जो मैं यहाँ पर लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली NCR में आप किसी भी तरह के मैरिज कंसल्टेशन के लिए करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैरिज कंसल्टेशन से रिलेटेड आप कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो प्लीज इनबॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उसका आपको टाइमली रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।